हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं एक्सेल में अरे फार्मूला में मैक्स वैल्यू विद अरे फार्मूला सिखाऊंगा कि आप जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके साथ अरे फार्मूले के साथ कैसे यूज कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ हेडिंग्स लिखनी होंगी हर बार की तरह, जैसे मैं हर बार की तरह हेडिंग लिखता हूँ, क्योंकि बिना हेडिंग्स के हम डेटा कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने सिलेक्शन करा एरिया, और एरिया सिलेक्शन करके मैंने के तक सिलेक्शन कर लिया, यहाँ मर्ज पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पे मैं हेडिंग लिख लेता हूँ मैक्स वैल्यू विद अरे फॉर्मूला फॉर्मूला इन एक्सेल। अब इसे मैंने मिडल में करा, साइज बड़ा किया, बोल्ड करा, फिलअप कलर, फॉन्ट कलर, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन करा, यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल नंबर पहला, उसके बाद आइटम्स आईडी, उसके बाद आइटम्स नेम, उसके बाद यूनिट्स, उसके बाद टारगेट, उसके बाद सेल्स, उसके बाद अचीव्ड। ये तो हमारी हो गई सब हेडिंग, कलर फॉन्ट कलर बोल्ड। यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 और उसके बाद इसे सेलेक्ट करके 10 तक ड्रैग कर लेते हैं। आइटम्स आईडी मैंने यहाँ पे 786001 786002 डाला, और इसे भी सेलेक्ट करके हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आइटम्स के नेम आते हैं। आइटम्स के नेम डालने के लिए मैंने यहाँ पे डाला आइटम्स 001, यहाँ पे डाला आइटम्स 002, सॉरी आइटम्स 001 और आइटम्स 002। उसके बाद इसे भी हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। मैंने यहाँ से नीचे की ओर ड्रैग करा। अब यूनिट आता है, यूनिट में मैंने पीसेज लिख दिया और सभी को पीसेज कर लिया। टारगेट मैंने यहाँ पे डाला है कि जो हम सेल्स कर रहे हैं या हमारे यहाँ सेल्समैन है या जो हमें सेल करना है वो उसका टारगेट है 1000, क्लियर। और 1000 का जो टारगेट है वो सभी के लिए है। यहाँ पे जो हमारा सेल हुआ है वो हुआ है 550, 650, 450, 850, 750, 650, 400, 500, 800, 600 ऐसे। अब जो अचीव्ड, अचीव्ड का मतलब है कि ये तो सेल हो गया, और यहाँ पे सॉरी अचीव्ड नहीं, यहाँ नॉन अचीव्ड डालना था। नॉन अचीव्ड मतलब जिस जो अचीव हमने नहीं किया वो यहाँ पे नॉन अचीव्ड डालेंगे। तो मैंने नॉन अचीव्ड निकालने के लिए यहाँ पे करा इक्वल को टारगेट, जितने का हमने सेल कर लिया उस पर माइनस पे क्लिक करके एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल टारगेट माइनस सेल्स और एंटर करेंगे तो नॉन अचीव्ड वैल्यू निकल के आ जाएगी, जितने की कमी रह गई। और इसे भी हमने ड्रैग कर लिया नीचे की ओर, तो ये हमारा नॉन अचीव्ड वैल्यू निकल के आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर लिया ये एरिया, और मैंने इसे यहाँ से मर्ज करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया मैक्सिमम, यहाँ पे क्या लिखा मैक्सिमम डिफरेंस डी क्या होगा डी आई डबल एफ ई आर ए एन सी ई, यही आई थिंक होना चाहिए डिफरेंस की स्पेलिंग में थोड़ा सा इशू सा लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे मैंने डाला विद मैक्स और मैंने यहाँ पे डाला विद अरे फॉर्मूला, मतलब हमें जो सबसे ज़्यादा कमी आई है वो हमें मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है। तो मैक्सिमम डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए दो तरह के फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू से, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू से पहले निकाल के दिखाऊंगा, इसे मैं बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे क्लिक करा इक्वल एम ए एक्स मैक्स, शिफ्ट दबा के 9
उसके बाद नॉन अचीव्ड वाले वैल्यू का सिलेक्शन, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या आया, 555 रुपये। मतलब 555 रुपये का सबसे ज़्यादा कमी है, मतलब इतने रुपये का जो सामान है वो सबसे ज़्यादा कमी वाला है जो नहीं बिका नॉन अचीव्ड में। अब मैं एरे फॉर्मूले के थ्रू निकालना चाहता हूँ, तो एरे फॉर्मूले के थ्रू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल एम ए एक्स मैक्स, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद टारगेट वाले एरिए का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे माइनस, उसके बाद सेल्स का एरिया सिलेक्शन करेंगे, और उसके बाद हमें इसे वन टाइम में निकालना है आंसर। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, करना ये है आपको कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, और उसके बाद जब आप कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करते हो, एंटर जैसे ही आप प्रेस करोगे, जैसे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तो देखिए आंसर निकल गया। तो ये आप एरे फॉर्मूले के थ्रू ऐसे निकाल सकते हो, और मैक्स फॉर्मूले के थ्रू आपको पहले टारगेट और सेल्स बनाने के बाद आपको इसे माइनस करना होगा, तब आप मैक्सिमम वैल्यू के थ्रू निकाल सकते हो। लेकिन मुझे नॉन अचीव्ड वाली वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं डायरेक्टली एरे फॉर्मूले से टारगेट और सेल्स में कंपेयरिंग करके निकाल लिया। तो एरे फॉर्मूले का यूज इसलिए हो जाता है कि हम कई फॉर्मूलों का यूज ना करके उस फॉर्मूले को हम कॉन्फिगर करके शॉर्ट में यूज कर सकें। तो ये हो गया एरे फॉर्मूले का मैक्सिमम वैल्यू का यूज। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा, एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।